हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन का काटलेट। उसके लिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसको छोटा छोटा करके काट के इसको पीस लेंगे। चलिए पहले पीस लेती हूँ। हमारे चिकन पीस गया है। इसके लिए हमको चाहिए एक बोल। इसको मैरिनेट कर लेंगे। पहले एक बोल ले लिया, इसमें चिकन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल देंगे एक चम्मच बिरेगान, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस। इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटी चम्मच का एक चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक हरा मिर्च बारीक बारीक करके काटे हैं, ये भी डाल देंगे। डाल के इसको अच्छी से मिलाएंगे। सोया सॉस में नमक है, इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। अभी पहले ये सब मिला लेती हूँ। अच्छे से मिला लेते हैं। आप डालेंगे एक बड़ा सा प्याज, बारीक बारीक कट के रखी है, ये भी डाल देती हूँ। प्याज भून के भी डाल सकते हो और बहुत सारे सब्जियां भी डाल सकते हो। मैंने ही डाली, आप डाल सकते हो। थोड़ा सा हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आप डालेंगे इसमें ऑयस्टर सॉस थोड़ा, इतना सा डाल देंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा टमाटर केचप, डाल के इसको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। सारे चीज़ अच्छे से मिला दिया है। अब डालेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब तैयार है इसको बनाने के लिए। अब मैं बनाएंगे इस तरह से। कड़ल ले लिया है, आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हो और ऐसे गोल, जैसे भी आपका शेप देने का मन करे शेप दे सकते हो। मैं इससे बनाऊंगी। पहले इस तरह से हाथ में थोड़ा तेल ले लेती हूँ।
इस तरह से कड़क देके इस तरह से बना लूंगी सारे, इस तरह से बना लूंगी। सारे बना लूंगी। लीजिए हम सारे बना लिया है। अब इसको दो चीज है, इसको कद्दूकस कर लेंगे, लेके सब एक एक करके बनाएंगे। चीज को मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरह। अब इसमें थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। इस तरह सारे लगा देंगे। चीज पूरा ऑप्शनल है, आपके पास हो तो देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। चीज मेरे पास था, देने से बहुत अच्छा लगेगा खाने में, इसीलिए दिया। और नहीं देगा तो फिर भी ठीक लगेगा। इस तरह सारे लगा लेंगे। लीजिए हम सारे इसमें चीज लगा दिया है। आप करेंगे दूसरा डेकोरेशन। आप डालेंगे 3-4 चम्मच मैदा, 1/2 स्वाद अनुसार नमक, 1/3 काली मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि खाने का टाइम थोड़ा अच्छा लगे, काली मिर्च का स्वाद आए। इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसको अच्छे से पानी डालेंगे। हमारे बैटर बन गया है, इसको एक इधर हटा देती हूँ। अब ले लेती हूँ एक ब्लड ग्राम, इसको कैंची से काट लेती हूँ। इसमें ब्लड ग्राम डाल लेती हूँ। आप चाहे तो वो ब्लड खरीद के पीस के कर सकते हो। वो तो अच्छा सूखा सूखा है, हम बना लेंगे। इस तरह से एक एक उठा के इसमें डाल देंगे। डाल के इस तरह से इसमें ले लेंगे। इस तरह से सूखा सूखा बना लेंगे। इस तरह से सूखा सूखा एक एक करके सारे बना लेती हूँ। और एक डाल देती हूँ।
ये भी इस तरह से। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। चलिए जी, हमारे सारे बन गया है। आप कर देंगे फ्राई। ये आप अगर बना के अगर 15 दिन अगर स्टन करके रख दोगे तो रहेगा। रमजान में तो पहले रोजा में बना लेना, उसके बाद पूरा महीने भर तल तल के खा सकते हो। ऐसे सूखा स्टन करके रख दो तो रहेगा। पहले रमजान में बना लेना, बना के रख देना और दो दो करके फ्राई कर करके खा सकते हो, बहुत अच्छा बनेगा। चलिए फ्राई कर लेती हूँ। मैंने चूल्हे जला दिया है, कढ़ाई भी बिठा दिया। मैं तेल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गर्म होने दूंगी। तेल हमारे गर्म हो चुका है, हम डाल देंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलट देंगे। दो दो करके एक एक करके डाल देंगे। बड़ा कड़ा हो तो साथ में एक साथ डाल देना। धीमी आंच में पकाना पड़ेगा। चिकन कांचा डाला है, उसमें अंदर से पक जाएगा। ये हमारे पक चुका है, उठा लेती हूँ। इसी तरह हम सारे पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम सारे उठा लेंगे। माशाल्लाह, मेरा चिकन कटलेट बन गया है, बहुत ही अच्छा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, आप देख सकते हो। एक प्लेट ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश का मौसम में बनाना, बनाने के लिए थोड़ा मन में प्यार होना चाहिए, बन जाएगा। थोड़ा सा चिकन से बन जाएगा, रेस्टोरेंट जैसे स्वाद आएगा। ज़रूर एक बार बना के देखना। रमजान में भी बनाने में अच्छा लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा। आधा किलो चिकन में इतना सारे बना है। आप ले लेंगे सॉस। आप चटनी का साथ भी खा सकते हो, उसको बर्गन बनाने के लिए ये बर्गन भी बना सकते हो उसके अंदर दे के। टमाटर सॉस डाल लेती हूँ। चटनी सॉस बर्गन बना के भी खा सकते हो। देखिए एक हम तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बना है। मसाला खाने में बहुत ही टेस्टिंग है, बहुत ही स्वादिंग है। और मेरा चिकन कटलेट का रेसिपी आपको अच्छा लगे, ज़रूर अच्छा लगेगा। एक बार बना के देखना, मैं जैसे बनाई हूँ ऐसे बना के देखना। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, शेयर करना। कमेंट करने से खुशी मिलेगा। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज। Thank you.